हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि न्यूटन कैसे आप अपने i5 को i9 में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे टास्क मैनेजर में आपको दिख रहा है, यहाँ पे i5 है और आप यहाँ इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले रेग एडिट ओपन करेंगे। रेग एडिट ओपन करने के बाद आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं जो इसमें दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कोर आ जाएंगे, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यहाँ पे 0 to 7 मतलब 8 है, तो 8 जनरेशन है। तो आप यहाँ से शुरू के 3 या 4 आप सेंट्रल प्रोसेसर चेंज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं हर एक यूनिट पे जाके और जो सेंट्रल प्रोसेसर नेम है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, या i5 से सीधा i9 पे मैंने चेंज कर दिया है। और चाहे तो आप यहाँ पे जो साथ में जो जनरेशन लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ पे जनरेशन लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टिप है, आप अपने फैमिली मेंबर और अपने दोस्तों में ये टिप दिखाते हैं, आप हीरो बन सकते हैं। देखिए किस तरीके से, देखिए चेंज हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये i5 से i9 हो चुका है। थैंक यू।